नफरती चिंटू जो चीख चीख कर द कश्मीर फाइल को हकीकत के तराजू में तौल रहे हैं, जो राष्ट्रवादी बन चुके हैं अब, और कश्मीर के इतिहास को एक फिल्म के जरिए समझने वाले ये लोग जो इतिहास का ABC भी नहीं जानते, जिन्होंने किताबों में इतिहास नहीं पढ़ा, वो मात्र 2.5 घंटे की फिल्म को देखकर इतिहास समझ चुके हैं। साथ ही बता दूं, फिल्म ने 11 दिन में अब तक करीब 180 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। नमस्कार, मैं पूजा अम्बेडकर, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। द कश्मीर फाइल्स आए दिन चर्चा में बनी हुई है। चर्चा का विषय है कि कश्मीरी पंडितों के दुख और दर्द पर और संहार पर बनी असली कहानी है ये। द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश में नफरती वर्ग पैदा होता साफ साफ नजर आ रहा है। कोई इसे इतिहास का सत्य बता रहा है तो कोई इसे राष्ट्रवादी देश हित में बनी मूवी बता रहा है। कोई इसे राष्ट्रवादी देश हित में बनी मूवी बताकर ज्ञान दे रहा है, जबकि द कश्मीर फाइल्स को कितना हकीकत के साथ पेश किया गया है ये कोई नहीं जानता, ना ही कोई जानना चाहता है, क्योंकि फिल्म देश हित और राष्ट्र हित में जो बनी है। जी हाँ, इसके डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री, जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता और उनके जेनोसाइड को अपनी फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं उनके दुख को किसी ने नहीं दिखाया, ना ही दर्शाया, और ये हिम्मत बॉलीवुड में किसी डायरेक्टर ने नहीं की। मैंने की और मैं गर्व से कहता हूँ मैं राष्ट्रवादी हूँ। मगर विवेक का विवेक इस फिल्म को बनाने में खोता दिखाई जान पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें विवेक खोने वाली क्या बात है। अभी सच की परतें खुलेंगी और सब सामने होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द कश्मीर फाइल्स जो कश्मीरी पंडितों के सच और उस टाइम हुए संहार को बयां करती है, आप पहले ये जान लें कि जो फिल्म अपने इतने हकीकत पर बनाई गई है, उसके डिस्क्लेमर में ही ये लिखा गया है कि ये फिल्म किसी ऐतिहासिक घटना के सही होने का दावा नहीं करती। कश्मीरी फाइल्स फिल्म में सच्चाई के बहुत से पन्ने गायब हैं। मस्तिष्क का अपहरण करते हुए इंसानी दिमाग को विशेष दिशा में नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास किया गया है। साथ ही तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करते हुए आतंकवादियों द्वारा मुस्लिम और सरदारों पर किए गए जुल्म और संहार को जानबूझकर छुपाया गया है। इस टाइम किसकी सरकार थी, इसका जिक्र भी बहुत हो रहा है। उस टाइम 1990 में जम्मू एंड कश्मीर भाजपा प्रभारी मोदी खुद थे और जगमोहन गवर्नर थे। ये तो हुई उस वक्त की सरकार की बात। अब बात आती है उन लोगों की जो ऐतिहासिक फिल्म देखकर अपना माइंडसेट कर लेते हैं और सिनेमा घरों में भाषण देने लगते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आगे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बना रहे हैं। तो देखा आपने कैसे लोग द कश्मीर फाइल्स देखने की बात खुलेआम मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये तो है भाषण, अब ये वीडियो देखिए। देखा आपने सिनेमा घरों से द कश्मीर फाइल्स देखकर आई ये भीड़ किस तरह के नारे लगा रही है। क्या इसलिए देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम ये फिल्म देखने की अपील कर रही है, ताकि लोग जब फिल्म देखकर सिनेमा घरों से निकलें तो एक विशेष वर्ग के खिलाफ नफरती बम बनकर निकलें। नफरत यहीं खत्म नहीं होती, पूरे सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक नफरती कमेंट और ट्वीट से भरा पड़ा है।
नरसंहार सांप्रदायिक तनाव की तरफ ले जाती है। इस नफरत की आग को लगातार भारत के प्रधानमंत्री, पूरी मोदी सरकार, भाजपा के सारे मुख्यमंत्री जिस तरह से इस फिल्म को हवा दे चुके हैं और दे रहे हैं, देश में कानून संविधान सब ध्वस्त हो गया है। नफरत फैलाने की इतनी विभत्स सरकारी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। अगर फिल्में ही सत्यता का मानक हैं तो यही अनुपम खेर कर्मा फिल्म में देशद्रोही बने थे और वीर ज़ारा में पाकिस्तानी बने हैं। इसलिए फिल्म को फिल्म की तरह देखना चाहिए, ना कि इतिहास मानकर सच मान लेना चाहिए। पहले हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने वाली फिल्म टैक्स फ्री होती थी, अब हिंदू मुस्लिम दंगे वाली फिल्में टैक्स फ्री की जा रही हैं। क्या इस फिल्म को देख कर लौट रही ये भीड़ में नफरत नहीं पनप रही है किसी एक वर्ग के लिए, और क्या ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा नहीं है? अब बात आती है उन लोगों की जिन्हें फिल्म तो टैक्स फ्री चाहिए लेकिन देश में शिक्षा फ्री नहीं होनी चाहिए। शिक्षा फ्री हो देश में, इसके लिए कोई जुनून नहीं दिखाता जैसे इस फिल्म के लिए दिखाया जा रहा है। इससे भी बड़ी बात कि एक प्रधानमंत्री का एक फिल्म को प्रमोट करना, क्या ये अजीब बात नहीं है? इससे प्रधानमंत्री को क्या बेनिफिट है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे सवालों से अगर आप सहमत हैं या असहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।